दो बकरियों की कहानी। बोना बहुत ही आलसी किस्म का लड़का था। बोना के घर में उसकी एक माँ थी। वो सिर्फ नाम से ही बोना नहीं था, बल्कि उसका नाम इसलिए उसकी माँ ने बोना रखा था क्योंकि वो सच में कदकाठी में बहुत छोटा रह गया था। काम तो वो कोई करता नहीं था, उसकी माँ ही मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी। माँ ने उसे बस एक बकरी की जिम्मेदारी दे रखी थी, लेकिन वो उसकी भी अच्छे से देखभाल नहीं करता था। जानबूझकर वो बकरी चराने उस ओर ले जाता था जहाँ पर बकरी को खाने में घास नहीं मिलती थी, बस मिलती थी तो बेर, जो बोना को खाने में बहुत पसंद थी। वो बस अपने लालच में बकरी को उस ओर ले जाता था जहाँ पर घास की जगह बेर होती थी। हर दिन वो अपनी माँ से शाम को डांट खाता था कि उसने बकरी को बहुत कमजोर कर दिया है। करम चले बोना, कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था तू? कद में भी छोटा रह गया और किसी काम का भी नहीं है। इस उम्र में तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए, कोई काम धंधा करना चाहिए, उल्टा मुझे ही तुझे पालना पड़ रहा है। बुढ़ापे में भी मजदूरी करके तुझे पाल रही हूँ। एक काम दे रखा है बकरी का, वो भी अच्छे से नहीं करता, बस पूरा पूरा दिन बेर खाता रहता है। क्या माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो, कभी तो अपने इस बच्चे से प्यार से बात कर लिया करो। प्यार चाहता है तू मुझसे? तू प्यार करने लायक है? देख नहीं रहा तू बकरी को कितना कमजोर कर दिया है तूने? देख बोना, मैंने सोच लिया है, मैं तब तक तुझसे बात नहीं करूंगी जब तक तू बकरी को नदी के पास घास चराने के लिए नहीं ले जाएगा, जहाँ अच्छी अच्छी और लंबी लंबी घास है। ये क्या माँ, अब इतनी सी बात पर तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? बोना भले ही आलसी और कामचोर था, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। माँ की बात न करने वाली बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और माँ से कहता है, ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। कल से मैं बकरी को नदी के पास अच्छी अच्छी और लंबी लंबी घास खिलाने ले जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे कभी बात करना मत छोड़ना माँ, क्योंकि तुझे पता है ना कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। अरे मेरे लाडले बेटे, मैं तुझसे बात करना कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, वो तो मैं बस यूं ही कह रही थी, पर देख बेटा, अब तुझे भी समझना होगा। भले ही तू कदकाठी में छोटा रह गया है, लेकिन उम्र में तो तू जवान हो गया है, बहुत हो गया बचपना। अब तुझे घर की सारी जिम्मेदारियां देखनी होंगी। कल को तेरी शादी भी तो करनी है ना, मैं ऐसे ही हमेशा तेरे साथ थोड़ी न रहूंगी। अब बूढ़ी हो चली हूँ, कल को क्या पता मैं रहूं ना रहूं, फिर तेरा कौन ख्याल रखेगा? तू जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा तो फिर कल को बहुत पछताएगा, इसीलिए कहती हूँ अब समझदार बन और सब अच्छे से संभाल ले। ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना दे, बहुत भूख लगी है। बोना ने अब माँ की बात को समझकर सोच लिया था कि अब वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा माँ चाहती है। अगले दिन सुबह होते ही बोना अपनी बकरी को लेकर ठीक वहीं जाता है जहाँ माँ ने उसे बकरी चराने को कहा था। जब बकरी वहाँ पहुँचती है तो लंबी लंबी घास देख कर बहुत खुश हो जाती है। जा मेरी बकरी, आज से तू जी भर के घास खा। अरे वाह, कितनी लंबी लंबी और बढ़िया घास है, अब मैं अच्छे से पेट भर खाऊंगी। बकरी वहाँ पर जी भर कर खाना खा लेती है। तभी बकरी देखती है कि नदी के उस पार उससे भी ज्यादा अच्छी और लंबी घास है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि नदी के उस पार कैसे जाए। तभी बकरी थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है कि नदी के उस पार से एक पेड़ गिरकर नदी के ऊपर से इस पर आकर अटक गया है, मानो जैसे वो कोई पुल बन गया हो। बकरी उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लो जी, बन गई बात, अब मैं आराम से इस पेड़ की सहायता से नदी के उस पार जाऊंगी और वो लंबी लंबी घास खाऊंगी। तभी बकरी उस पुल जैसे पेड़ पर चढ़कर नदी के उस पार जाने लगी। जैसे ही बकरी नदी के बीचों बीच पहुंची, तभी बकरी देखती है कि नदी की दूसरी ओर से भी एक बकरी उस पुल की सहायता से इस पार आ रही है। जब दोनों बकरियों का आमना सामना होता है तो वो दोनों एक दूसरे से कहने लगती हैं, तुम पीछे हट जाओ, पहले मैं उस पार जाऊंगी। नहीं, तुम पीछे हटो, पहले मैं उस पार जाऊंगी। देखो तुम खामखा बहस कर रही हो, जबकि तुम खुद जानती हो कि पहले मुझे ये पुल जैसा पेड़ दिखा और जिस पर चढ़कर मैं नदी पार करने आई हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने पहले इस पेड़ को देखा था। इसी तरह बहुत देर तक दोनों बकरियों की बहस चलती रही, पर बोना की बकरी बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि ये बकरी उससे खामखा बहस कर रही है और अपनी बात मनवाना चाहती है।
बोना की बकरी ने समझदारी से काम लिया और कहा, अगर हम दोनों बहस करते रहे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ना तो तुम नदी के इस पार आ पाओगी और ना ही मैं नदी के उस पार जा पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है, मैं नीचे झुक जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से टाप कर निकल जाना। देखा, झूठ झूठ ही होता है। आखिर तुम्हें हार माननी ही पड़ी ना। अब चलो जल्दी से झुक जाओ और मैं तुम्हें टाप कर निकल जाऊं। बोना की बकरी को उस झूठी और घमंडी बकरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और समझदारी से काम लिया। वो नीचे झुक गई। जैसे ही दूसरी बकरी उसे टाप कर निकलने वाली होती है कि तभी उसका एक पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब आया ना मजा। तुम अपनी बात को जबरदस्ती और झूठ बोलकर मनवाना चाहती थी, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हें ये पुल पहले नहीं दिखा था, पहले मैंने देखा था। लेकिन तुम इतनी घमंडी और झूठी हो कि तुम बस अपनी बात को सच मनवाना चाहती थी। मैं पानी में डूब जाऊंगी, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो। नहीं, तुम पहले अपने किए के लिए मुझसे माफी मांगो और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करोगी और कभी झूठ को सच साबित करने की कोशिश नहीं करोगी। हाँ हाँ, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। बोना की बकरी उस दूसरी बकरी को अपना पैर देकर नदी से बाहर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। दूसरी बकरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। पीछे खड़ा बोना अपनी बकरी की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर बोना की बकरी नदी के उस पार जाकर लंबी लंबी घास चर के आती है। साथ ही बोना भी अब अपनी माँ की बात मानकर समझदार हो गया था और अपनी बकरी को अच्छे से चराने ले जाता था। सोनपुर जंगल में तीन खूबसूरत गाय रहती थी। तीनों आपस में पक्की सहेलियां थी। तीनों ने एक दूसरे को अपनी बहने बनाकर रखा था। एक गाय का नाम सोनी था, दूसरी दीपा तो तीसरी का भूरी था। सोनी के दो जुड़वा बच्चे थे। बच्चे बहुत ही नटखट और प्यारे थे। भूरी और दीपा भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो बच्चों की मौसियां लगती थी। लेकिन जितना खूबसूरत ये जंगल था और जितनी खूबसूरत इस जंगल में गाय रहती थी, उतना इस जंगल में रहना आसान नहीं था। इस जंगल में कदम फूक फूक कर रखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एक खूंखार शेर रहता था, जो हर समय अपने शिकार की तलाश में रहता था। एक दिन की बात है, सोनी के बच्चे खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं। अरे अरे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? दीपा भूरी, तुम दोनों ने बच्चों को कहीं देखा क्या? ना जाने दोनों कहाँ चले गए होंगे, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। सोनी, तुम चिंता ना करो, हम सब मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। बस इतना है, उस खूंखार शेर की नजर बच्चों पर ना पड़े। जब बच्चे खेलते खेलते दूर पहुंच जाते हैं, शेर उन्हें देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है और सही मौके का इंतजार करके बच्चों पर हमला करना चाहता था। तब तक शेर बच्चों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। मौका पाते ही शेर एक बच्चे पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और दूर जाकर बच्चे को एक ही निवाले में निगल जाता है। दूसरा बच्चा शेर को देखकर घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और बहुत सहम जाता है। बड़ा ही मजा आया इस नन्हे बच्चे को खाकर, लेकिन मेरा तो पेट ही नहीं भरा। वो दूसरा बच्चा कहाँ गया? अब उसको खाकर ही मेरी भूख मिटेगी। शेर का एक बच्चे को खाकर पेट नहीं भरा था, अब वो दूसरे बच्चे को भी खाना चाहता था। इससे पहले कि शेर दूसरे बच्चे को भी खा जाता, बच्चा बड़ी मुश्किल से भागता हुआ अपनी माँ के पास आ पहुँचता है। ओ मेरे बच्चे, कहाँ गए थे तुम? और तुम्हारा भाई कहाँ है? माँ, हम दोनों भाई खेलते खेलते दूर चले गए थे। वहाँ एक बहुत ही खूंखार शेर था, जो भाई को मेरी आंखों के सामने मार के खा गया, और वो मुझे भी खाना चाहता था, पर मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। नहीं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस शेर को छोड़ूंगी नहीं। सोनी अपने बच्चे के लिए बहुत रोती तड़पती है। साथ में भूरी और दीपा को भी सोनी के बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। सोनी, तुम्हारे बच्चे के लिए हमें भी बहुत अफसोस है। वो सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा नहीं था, हमारा भी था। हम भी उसकी मौसियां थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अभी हमें हिम्मत और समझदारी से काम करना होगा। वो शेर है,
शेर से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। सोनी शेर की नजर दूसरे बच्चे पर भी पड़ चुकी है, हमें उसे भी बचाना है और उसके लिए हम खुले जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि खुले में वो किसी भी समय बच्चे के लिए आ सकता है और हमला कर सकता है। हमें एक मजबूत घर बनाना होगा, ऐसा घर जिसके अंदर वो शेर ना पाए। हाँ सोनी, शेर से बदला लेना इतना आसान नहीं है। जैसा दीपा कह रही है हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तो हमें दूसरे बच्चे की और अपनी रक्षा करनी होगी, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तीनों गायें अपने लिए एक मजबूत घर बनाती हैं, जिसके अंदर वो लोहे का दरवाजा लगाती हैं। लेकिन दीपा बस दिन रात शेर से बदले की भावना अपने अंदर लेकर जीती है और सोचती है कि कब उसे मौका मिले तो वो अपने बच्चे का बदला शेर से ले सके। फिर एक दिन की बात है, शेर को बहुत भूख लगती है और वो गाय के दूसरे बच्चे की तलाश में उनके घर तक आ पहुंचता है। अच्छा, तो मजबूत घर भी बना लिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस घर के अंदर नहीं आ सकता? अभी बताता हूँ। शेर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है और गाय से दरवाजा खोलने को कहता है। शेर की आवाज सुनकर तीनों गायें बहुत घबरा जाती हैं। माँ, ये तो वही शेर है जो भाई को खा गया था, अब ये मेरे लिए आया है, मुझे भी खा जाएगा। तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो बहनों, हमें इस समय घबराना नहीं है, हमें एकजुट होकर शेर से लड़ना है। हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम चाहे जो भी कर लो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता? मैं अपने एक ही पंजे मारूंगा तो ये दरवाजा टूट जाएगा। शेर लाख कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। तभी वो गायों द्वारा बनाए हुए घर के छत के ऊपर चढ़ जाता है, उसे चिमनी का ढक्कन दिखता है। शेर सोचता है कि चिमनी के अंदर से घुसकर नीचे जाकर गाय के बच्चे को और तीनों गाय को खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। अब देखो कैसे अंदर जाकर तुम सबको खाता हूँ मैं। ये तो हमारी छत के ऊपर आ गया और ये चिमनी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। भूरी, तुम घबराओ मत। सोनी, तुम शेर से बदला लेना चाहती थी ना, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। इस चिमनी के अंदर और लकड़ियां डालो और आग जलाओ, जिससे ये नीचे आते ही आग से जलने लगे और जलकर मर जाएगा। तीनों गाय चिमनी में खूब लकड़ियां डालकर आग जलाती हैं। जैसे ही शेर चिमनी में घुस जाता है, नीचे आकर वो आग में जलने लगता है। आग से बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है और गायों से आग बुझाने की मदद मांगता है। बचाओ, बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मेरे ऊपर ठंडा पानी डालो, आग बुझाओ। तुझे बचाएं हम? तू मेरे बच्चे को मार कर खा गया और ना जाने आज तक कितने मासूमों को मार कर खाया है तूने। तुझे तो इससे भी भयंकर मौत मिलनी चाहिए। सोनी और उसके साथ दीपा और भूरी चिमनी में से जलती हुई लकड़ियां उठाकर शेर को और जलाने लगती हैं। शेर बड़ी मुश्किल से घर से बाहर भागता है और जंगल में पानी की तलाश में आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखता। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक नदी मिलती है। शेर आग बुझाने के लिए नदी में कूद जाता है। शेर के शरीर को लगी हुई आग तो बुझ जाती है, लेकिन शेर के पूरे बाल और आधा शरीर जल चुका था। शेर अब शेर ना होकर एक भीगी बिल्ली बन चुका था। आधा शरीर जल जाने के कारण शेर की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से सोनी, दीपा और भूरी शेर के मरने पर बहुत खुश हो जाती हैं और नाचने लगती हैं। सोनी बहुत खुश थी कि उसने अपने बच्चे की मौत का शेर से बदला ले लिया। शुक्र है भगवान का, ये शेर मर गया, कम से कम अब सभी चैन से तो जी सकेंगे। जिस तरह से सोनी, दीपा और भूरी ने बहादुरी दिखाकर शेर को मारा, अब जंगल के सारे जानवर बिना किसी डर के आराम से खुलेआम आजादी से जी रहे थे। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।